गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट लेक्चर ऑन लाइब्रेरी क्लासेस। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, लाइब्रेरी क्लास, ये भी एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके, लेकिन हम कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा जानेंगे। इसमें फंक्शन प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर और लाइब्रेरी क्लास दोनों का प्रोग्राम एक लेक्चर में मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, उनका एक दो क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जो है यूज होने वाला है। ठीक है, स्ट्रिंग का भी जो है आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा लाइब्रेरी क्लास में। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कैसे है क्या है। ओके, तो देखिए दो प्रकार के क्लासेस होते हैं, एक है यूजर डिफाइंड क्लास और एक जो है बिल्ट इन क्लास या फिर लाइब्रेरी क्लास। ठीक है, यूजर डिफाइंड क्लास क्या होता है, जो क्लास यूजर क्रिएट करता है उसको यूजर डिफाइंड क्लास बोलते हैं, और जो क्लास खुद से जावा में रहते हैं पहले से, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट इन क्लास या फिर लाइब्रेरी क्लास। ओके, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डेटा टाइप पढ़ते समय। कंपोजिट डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, मीनिंग उनका वही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्लासेस होते हैं जो जावा के सिस्टम में पहले से अवेलेबल रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं कि आप जो भी प्रोग्राम लॉजिक सोच रहे हो, ठीक है, उस पर वो अपना पूरा सपोर्ट देते हैं कि आप सोचिए। ठीक है, हम लोग के पास वो सारी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आप बस अपना लॉजिक सोचिए। ठीक है, तो वही सारे प्रोग्राम्स, वही सारे क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी क्लासेस। वैसे जावा के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी क्लासेस हैं। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, ठीक है, हजारों में लाइब्रेरी क्लास आपके प्रेजेंट है, उतना तो हमें पता भी नहीं है। एज अ हम तो क्या है, एक मीडियम लेवल प्रोग्रामर्स भी नहीं बोलोगे आप अपने आप को। ठीक है, एक स्टार्टिंग बिगिनर्स आप बोलोगे। ठीक है, तो आपको तो कुछ लाइब्रेरी क्लास के बारे में पता है। ठीक है, जो पूरा अपना पूरा लाइफ जो है कोडिंग में दे देगा, ठीक है, तब आपको जो है कुछ ऐसे लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में पता चले। ठीक है, तब भी आप पूरा का पूरा नहीं जान पाओगे। ओके, जितना आप यूज कर रहे हो, जितना आप जानते हो, ठीक है, वो चीज के बारे में आपको नॉलेज रहेगा। तो ये जो बिल्ट इन क्लासेस आपके यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके फंक्शंस को, आपके लॉजिक को और पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, और ज्यादा जो है क्या होता है, इजी टूल्स फॉर द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, कुछ भी चीज उनको परफॉर्म करना तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब जो है एक पैकेज के अंदर रहता है। ठीक है, अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस व्हिच इज कंटेनिंग डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, वो सारे क्लास का जो है एक क्या होता है, थैली होता है। वो थैली को क्या बोलते हैं हम, पैकेज। ओके, पैकेज कंटेन ऑल द क्लासेस व्हिच कंटेन बिल्ट इन फंक्शंस। वैसे तो हमारे जावा में बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं, जैसे जावा डॉट आईओ, ठीक है, जावा डॉट LANG, जावा डॉट AWT, जावा डॉट यूटिलिटी, ठीक है, जावा डॉट एपलेट, जावा डॉट नेट और जावा डॉट मैप। ठीक है, तो ये सारे चीज तो हैं जावा में, बहुत और भी बहुत हैं। ठीक है, और भी बहुत पैकेज हैं अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं कितने के बारे में, एक, दो और तीन खास करके। ठीक है, खास करके हम जावा डॉट आईओ के बारे में जानते हैं, दैट इज कंटेनिंग द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। जावा डॉट लैंग के बारे में पता है, ठीक है, नहीं पता है तो अभी कर लेंगे। ठीक है, पता, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या, रैपर क्लासेस। ओके, रैपर क्लासेस कौन से पैकेज में होते हैं, जावा डॉट LANG, ठीक है, वो पैकेज में रैपर क्लास होते हैं, और ये तो हम जानते ही, स्कैनर क्लास का। ठीक है, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, यूटिलिटी, राइट। तो इसके सारे के जो है, ये सारे फंक्शंस हैं, ये आपके सोच लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ये पैकेज है। ठीक है, और ये उसके फंक्शंस है। ठीक है, क्या करते हैं वो पैकेज। ओके, तो जावा डॉट यूटिल, इट कंटेन फंक्शंस टू डेवलप यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, कंटेन एपलेट, प्रोवाइड कम्युनिकेशंस ऑन नेटवर्क टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो सब के लिए ये सारे पैकेज यूज करते हैं। ठीक है, बस ये तीन चीज आप जाने रहेंगे। अगर कोई केस में अगर आपको पूछता है स्टेट सम पैकेज, ठीक है, टेल मी सम 3 to 4 पैकेजेस, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर है आपका क्या, रैपर क्लास। ओके, रैपर क्लास का काम क्या होता है, देखो हमने पहले पढ़ा था कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन में दो हमने पढ़ा था, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है,
तो टाइप कन्वर्जन और रैपर क्लास क्या सेम है? नहीं, ठीक है। कन्वर्जन क्या करता है? वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इंट को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को आप डबल में कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का जो है कन्वर्जन रहता था, कहां पर? टाइप कन्वर्जन। लेकिन रैपर क्लास क्या करता है? इट इज लाइक इट इज यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रैपर क्लास बोलते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में वो बहुत जरूरी था, ठीक है। अभी वो चीज क्या हो चुका है? ऑप्शनल हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले जावा क्या करते थे, सभी चीज को टेक्स्ट में ही आप इनपुट कर सकते थे, न्यूमरिक में इनपुट करने का अलाउंस नहीं था, ठीक है। पहले स्कैनर क्लास जावा के पास नहीं था, तो यू आर बाउंड टू यूज दैट रैपर क्लास, ठीक है। और रैपर क्लास आप यूज करोगे तभी तो आप चीजों को टेक्स्ट को जो है न्यूमरिक में बदल पाओगे। लेकिन अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, न्यूमरिक में ही आप अपना प्रोग्राम को लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो रैपर क्लास का यूज अभी के लिए क्या हो चुका है, क्या हो चुका है? एक कंपलसरी नहीं बोल सकते हो, आप यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको रैपर क्लास करना यूज मैंडेटरी होगा, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आजकल हम क्या करते हैं, इंटीजर में ही प्रोग्राम लिख लेते हैं। इंटीजर में ही हमने कोई फंक्शन ले लिया, इंटीजर में कोई वैल्यू ले लिया, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया और वैसा कर दिया, ठीक है, स्कैनर के थ्रू, है कि नहीं? लेकिन आज से आप 15-20 साल पहले जाओगे तो वो नहीं था, स्कैनर क्लास नहीं था, ठीक है। हमने भी खुद जो है स्कैनर क्लास में नहीं किए थे, ओके। हमने खुद जो है स्कैनर क्लास में ये चीजें नहीं किए थे, ओके। तो वो अभी जो है ये यूज होगा, राइट। तो रैपर क्लास का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। और ये कौन से पैकेज में होते हैं? जावा डॉट लैंग, ठीक है, LANG, जावा डॉट LANG, ठीक है। और ये सभी डेटा टाइप के अपने अपने खुद के रैपर क्लास होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैर डेटा टाइप का क्या है? कैरेक्टर, मेक श्योर सी कैपिटल, ठीक है। सिर्फ कैर में और इंट में जो है थोड़ा अलग है, ठीक है। इंट में क्या होगा? इंटीजर, आई कैपिटल, ठीक है। बाकी सब डेटा टाइप के रैपर क्लास बिल्कुल रूबरू क्या है, सेम है। बस खाली आपको क्या करना है, पहला लेटर को कैपिटल करना है, ठीक है। बाइट का वही है, शॉर्ट का भी वही है, ठीक है। फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन का भी सब वही है। टोटल 8 रैपर क्लास हैं आपके, ठीक है। तो सभी के जो है वही रैपर क्लास होगा, ठीक है। बस पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये रैपर क्लास है। नेक्स्ट, रैपर क्लास इज अ लाइब्रेरी क्लास दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें दो और चीज आते हैं, ठीक है, दैट इज ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ध्यान से सुनिएगा, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग वो आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट का ये नहीं है, ठीक है, पार्सल नहीं है जो आप वीडियो बनाओगे, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग यहाँ पर अलग है, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है? चीजों का कन्वर्जन होना ऑटोमेटिकली, ठीक है। व्हेन वन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इट इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। और जब उल्टा चीजें हो रहा है, ठीक है, उल्टा, जब नॉन प्रिमिटिव से क्या हो रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनबॉक्सिंग, राइट। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। हमने कोई चीज ऐसे डिक्लेयर किया, ठीक है, पी इज इक्वल टू हमने 10 लिखा है, ठीक है, पी इज इक्वल टू 10 किया है। अब ये जो है मेरा रैपर क्लास है, ठीक है। रैपर क्लास क्या है? इंटीजर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज ओबी, ठीक है। इंटीजर ओबी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर पी। ये हमने क्या किया, ऑटो बॉक्सिंग किया? नहीं, हमने अभी तक ऑटो बॉक्सिंग किया ही नहीं। हमने यहाँ पर क्या किया, बस क्या किया है, हमने असाइन किया, कन्वर्ट किया है, ठीक है, असाइन और कन्वर्ट किया है बस, ठीक है। क्या कन्वर्ट किया है हम, ठीक है, हमने क्या किया है, ओबी में क्या वैल्यू डाला है, पी का वैल्यू डाला है। मतलब ये जो है एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, सोच लो, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में मैंने क्या डाला है, एक न्यूमरिक वैल्यू डाला है, ठीक है। ओबी में मैंने क्या डाला है, पी। और अब यहां पर मैं कर रहा हूं क्या, ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। ऑटोमेटिकली मैंने क्या लिख दिया, ओबी इज इक्वल टू
बी मतलब ओबी में अब क्या स्टोर हो जाएगा, 10। ठीक है, मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग कौन सा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव। ओके, ये जो है एक नॉन प्रिमिटिव है। यहां पर हमने एक प्रिमिटिव वैल्यू जो है डाल दिया। ओके राइट, हमने 10 में, हमने 10 किस में स्टोर कर दिया, ओबी में स्टोर कर दिया। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो बॉक्सिंग। उसी का उल्टा होता है क्या, अनबॉक्सिंग। यहाँ पर मैंने सपोज एक ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं थ्रू रैपर क्लास इंटीजर। ठीक है, और न्यू इंटीजर क्या 40, यहाँ पर एक वैल्यू दिया है, ये वैल्यू क्या है 40 है। अब ये 40 मैं किस में स्टोर कर दूंगा, ए में। ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये 40 न्यूमेरिक वैल्यू मैं किस में स्टोर कर दिया, ए, इंट ए इज इक्वल टू ओबी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। ठीक है, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे सवाल आता है, एक्सप्लेन ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक। ठीक है, ये लिख देना, तो दैट विल गिव यू 2 मार्क। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है, एक्सप्लेन इट विथ एन सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट, कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रिंग को, एक नॉन प्रिमिटिव को मैंने प्रिमिटिव में बदलने का ठान लिया, तो इसके लिए हम दो चीज यूज करेंगे। ठीक है, एक है क्या, अगर सपोज मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना चाहता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना चाहता हूँ, तो दो चीज है मेरे पास, क्या है वो, इंटीजर डॉट पार्स इंट और एक है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। ये दो में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, मैंने सपोज स्ट्रिंग एस में क्या स्टोर किया हुआ है, 25, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा तो वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो 25, अब इंट ए इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स इंट एस, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पर अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, 25। ठीक है, यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आएगा, 25 आएगा। ओके, अब वही सेम चीज मेरे को स्ट्रिंग को लॉन्ग में चेंज करना है। ठीक है, तो लॉन्ग में चेंज करने के लिए भी मेरे पास दो है, क्या होगा वो, जैसे इंट के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट था, यहां पर क्या होगा, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, या फिर क्या होगा, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब मैं यहां पर सपोज एक फंक्शन देता हूं। ठीक है, सपोज मैंने दिया स्ट्रिंग, ये सेकंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू लॉन्ग वैल्यू एक दिया मैंने। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये मैंने एक लॉन्ग वैल्यू दिया। ओके, और यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ क्या, लॉन्ग ए इज इक्वल टू, ठीक है, लॉन्ग ए इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स इंट, ए सॉरी, पार्स लॉन्ग एस। ठीक है, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग एस, तो यहां पर क्या आउटपुट देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रिंग को बदल देगा किस में, लॉन्ग में बदल देगा। ठीक है, तीसरा फिर आपका क्या है, स्ट्रिंग को मेरे को बदलना है किस में, फ्लोट डेटा टाइप में। ठीक है, तो इसके लिए फिर मेरे दो फंक्शंस होंगे, फ्लोट के लिए भी क्या होंगे वो दो, क्या देंगे, ठीक है, फ्लोट पार्स फ्लोट और एक क्या होगा, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ ओ कैपिटल। ठीक है, वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसमें भी वही चीज आपको लेना है। ठीक है, फ्लोट का एक वैल्यू लेना है, सपोज मैंने यहां पर थर्ड पार देते हुए स्ट्रिंग एस में मैंने लिख दिया है 15.498। ठीक है, फ्लोट वैल्यू दिया हुआ 15.498। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोट ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर पार्स नहीं यूज करके मैं क्या यूज करूंगा आज, अभी
वैल्यू ऑफ यूज करता हूँ, ठीक है, फ्लोट सेम आएगा, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या एस। तो इसमें आपका क्या स्टोर होगा, 15.498, ठीक है। फिर चौथा है आपका क्या है, स्ट्रिंग टू डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप के लिए भी आपके दो फंक्शन है, क्या होगा वो, डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है, या फिर डबल डॉट वैल्यू, ओके। यहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा जो है डेसिमल नंबर लेना होगा, ठीक है, वो आप एक स्ट्रिंग में लीजिए और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डबल में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं, ठीक है, कन्वर्जन का, जो आप एक स्ट्रिंग को किस पे कर सकते हो, प्रिमिटिव को डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो स्ट्रिंग का बात है, ठीक है। अगर अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है वो, कैरेक्टर फंक्शंस के, कैरेक्टर को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो आपका फंक्शन है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ठीक है। कैरेक्टर डॉट इज लेटर का मतलब यहाँ पर आपके जब भी ऐसे कुछ आएंगे ना, तो आप मान लीजिएगा आपका जो आउटपुट होगा वो एक बुलियन वैल्यू होगा, ठीक है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। कैरेक्टर डॉट इज लेटर का मतलब वाकई में वो जो लेटर है, वाकई में जो आपका कैरेक्टर है वो लेटर है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग का सिंटेक्स है, देखिए, बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर, आपको कैरेक्टर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ठीक है, बुलियन ए, बुलियन ए इज इक्वल टू, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ठीक है, एल कैपिटल, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, यहां पर सपोज मैंने दे दिया एम, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ट्रू आया, ठीक है, ए इज इक्वल टू ट्रू आया। और इन केस अगर मैं यहां पर एम की जगह क्या दूंगा, 9 दे, तो आएगा क्या, ए इज इक्वल टू फॉल्स आ जाएगा, या फिर इन केस मैं कुछ नहीं देता, ब्लैंक दे दूंगा, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। ब्लैंक देने से भी मेरा फॉल्स आएगा, क्योंकि ब्लैंक क्या माना जाता है, वाइट स्पेस, ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर क्या है, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, इसके लिए भी आपको वही है, सिंटेक्स वही रहेगा, बस इज लेटर की जगह क्या होगा, इज डिजिट। अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर बुलियन बी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, सपोज मैंने यहां पर दे दिया एम, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज इक्वल टू फॉल्स, एम थोड़ी ना डिजिट नहीं है, ठीक है। अगर मैं एम की जगह सपोज दे दिया 1 2, तो ठीक है, ट्रू होगा, वो तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया, तो हाँ उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो एक डिजिट है तो वो ट्रू बोला जाएगा, ओके, राइट, तो दैट विल बी ट्रू, समझ में आया, राइट। अगर ये फिर सोच लीजिए 0 भी होता है तो भी क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ये था कैरेक्टर्स डॉट इज डिजिट, ठीक है। तीसरा क्या है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, मतलब दोनों में वो कंसिडर करेगा अपने आप को, ठीक है, लेटर होने से भी ट्रू देगा, डिजिट होने से भी ट्रू देगा। फिर आप बोलोगे तो वो तो सब जो भी देंगे हम लोग वो ट्रू ही बोलेगा, नहीं, ठीक है। अगर सपोज मैंने दे दिया बुलियन सी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, ठीक है, इज के बाद आप जो भी यूज कर रहे हो ना, इसका पहला वर्ड क्या होगा, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, ठीक है, इज के बाद, ओके। तो इज लेटर और डिजिट मैंने सपोज यहां पर दे दिया डॉलर, ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, फॉल्स
फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि डॉलर इज नॉट अ कैरेक्टर, नॉट अ इज नॉट अ डिजिट और अ लेटर, ठीक है, कैरेक्टर इज वॉट, डॉलर इज वॉट, अ स्पेशल सिंबल, ओके, स्पेशल सिंबल है, ठीक है, तो वो आपका आंसर सी इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये डॉलर की जगह सपोज एस दे देता हूँ, ओके, वो आप कैपिटल में दो स्मॉल में दो तो वो माना जाएगा क्या, ट्रू, समझ में आया, हाँ? नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, वाइट स्पेस का मतलब ब्लैंक होना जरूरी है, अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो फिर नहीं लिया जाएगा, वो भी जो है आंसर आपके ट्रू और फॉल्स में ही आने वाला है, ठीक है, दैट इज बुलियन टी, ठीक है, बुलियन टी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, एस कैपिटल होगा क्या, किस ठीक रहेगा, वही रहेगा क्या, स्मॉल होगा वो, ठीक है, एक वर्ड है ना, वाइट स्पेस, ठीक है, एक वर्ड है तो स्मॉल ही रहेगा, ओके, तो यहां पर आपको देना है, सपोज मैंने ऐसा दे दिया, तो फिर मेरा टी इज इक्वल टू क्या देगा, टी इज इक्वल टू ट्रू, और अगर मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं देके कुछ दे दिया, ओके, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, समझ में आया, हाँ, नेक्स्ट, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है, मतलब आपके कैरेक्टर्स अपर केस में होंगे तो ट्रू बोलेगा और नहीं होंगे तो फॉल्स बोलेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये भी आंसर आपके ट्रू और फॉल्स में ही आएगा, जैसे बुलियन एस इज इक्वल टू, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से एक ही तो लेटर है, अपर केस, हाँ, अपर केस भी तो एक ही वर्ड है ना, तो भी सी कैपिटल है, तो यहां पर भी मेरे ख्याल से स्पेस में एस कैपिटल होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है, वाइट स्पेस यहाँ पर एक है, यहाँ पर अपर केस क्या है, दो है, ओके, तो अपर केस यहां पर जनरली सपोज मैंने दे दिया क्या, एम, ओके, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, एस इज इक्वल टू ट्रू, हाँ अपर केस में है, ठीक है, लेकिन अगर वही मैं एम की जगह क्या देता, छोटा एम दे देता, तो फिर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए भी मेरे पास एक मतलब एक फंक्शन है कन्वर्ट करने के लिए, ये इस के जगह फिर क्या होगा, टू अपर केस, ओके, ये देखिए कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, मतलब ये भी आप जान पाओगे, ठीक है, बुलियन सपोज डी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस ठीक है, तो इसका डी में आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, क्योंकि वो एक क्या है, लोअर केस लेटर है, ठीक है, फिर है क्या, करेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है, इसमें आपके आंसर्स बुलियन में नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें आपको आंसर क्या आएंगे, कैरेक्टर्स में आएंगे, ठीक है, इसमें आपका आंसर कैरेक्टर में आएगा, ठीक है, तो आपका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होगा, कैर वेरिएबल इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और फिर ब्रैकेट में क्या होगा, कैरेक्टर ही होगा, ये आपका सिंटेक्स होगा, ठीक है, अगर इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैर ए इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस एम, तो ये पहले चेक करेगा, ठीक है, ये पहले चेक करेगा कि वेदर एम इज इन अपर केस और नॉट, यहां पर एम अपर केस में नहीं है तो वो तुरंत आपको क्या कर देगा, ए इज इक्वल टू अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, अगर ऑलरेडी अपर केस में होगा तो फिर वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो अपर केस में होगा तो फिर ये मत सोचिएगा कि उसको वो लोअर केस में कर देगा, नहीं,
ठीक है, हमने कमांड दिया अपर किस में करने के लिए, तो जो चीज नहीं है उसको कर देगा, जो ऑलरेडी है उसको कोई चीज का वो नहीं करेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके राइट। और अगर मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है, तो फिर क्या करेगा? तब भी कुछ नहीं करेगा, वो हमें क्या दे देगा? स्पेस ही दे देगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है? स्पेस है, हमें स्पेस ही दे देगा, ओके। सेम चीज गोज विथ क्या? टू लोअर केस, यहाँ पर सपोज मैंने एक कम दिया हुआ है, कैर ए इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस एन, ठीक है। तो यहां पर ए में क्या स्टोर होगा? छोटा करके वो दे देगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू एन, समझ में आ रहा है? हाँ, टू लोअर केस में कर देगा, ओके। तो दैट वाज योर लाइब्रेरी क्लास के कुछ क्वेश्चंस, ओके। इतना सब कुछ है लाइब्रेरी क्लास में, राइट। नेक्स्ट, वही जो कैरेक्टर्स के हम लोग जो जो किए, ठीक है, वो सब है किसमें? स्ट्रिंग में, ओके। स्ट्रिंग में भी वो सारे जो है फंक्शंस हैं, ये कैरेक्टर फंक्शंस आपके लाइब्रेरी क्लास में मैंने बता दिया। स्ट्रिंग का क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन, ओके। तो इसमें भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इसमें भी जो है आपके प्रोग्राम्स हैं, ओके। ये प्रोग्राम मैं किसमें ज्वाइन करूंगा? कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर और लाइब्रेरी क्लास के प्रोग्राम्स एक साथ में एक लेक्चर करूंगा, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, ओके। और नेक्स्ट हमारा क्या है फिर? स्ट्रिंग है, ओके। स्ट्रिंग में भी हम लोग एक पहला जो है ऐसे आउटपुट क्वेश्चन वाला जो है चीज बनाएंगे, थ्योरी वाला, और फिर स्ट्रिंग में क्या है? सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, ओके। जितना प्रोग्राम करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, स्ट्रिंग भी लगभग से लगभग 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, ठीक है, जो प्रॉपर स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस के बारे में जानना, राइट, क्लियर।